Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tasya Gyananjan Shalakya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namah. Vanchakalpatrubhyascha Kripasindubhyascha Patitanam Pavne Bhayo Vaishnave Bhayo Namo 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 Mahavadanaye Krishna Prem Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanami Gaurata Vishaye Namo Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesh Gopika Kant Radha Kant Namosute Vrindaye Tulsi Devyay Priyay Keshva Sacha Vishnu Bhakti Parde Devi Satyavate Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadhadhar Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. कल हमने इधर विश्राम दिया था कि राजा अपने संगियों के सहित और पत्नी सहित वहां पे समुद्र के तट पे रुकते हैं. एक दिन देखते हैं कि बहुत बड़ा पेड़ जो है जिस पे शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह हैं वो आ जाता है किनारे पे. तो उन्होंने उसे निकालने का प्रयास किया अपने सैनिकों और हाथियों की सहायता से, लेकिन वो असफल रहे. बहुत से हाथी और उनके तगड़े लोग जो थे राज्य के और सैनिकों ने प्रयास किया, लेकिन वो निकालने में असफल उस पेड़ को. इधर हमने विश्राम किया था, अब आगे कथा. द एरियल वॉइस केम अगेन एंड टोल्ड द किंग. फिर आकाशवाणी हुई और वो क्या कहती है, ब्रिंग माई ओल्ड सर्वेंट दैत्यपति विश्ववसु एंड हिज डॉटर एज वेल. कि जो मेरा जो पुराना सेवक है जो नील माधव के रूप में मेरी सेवा करता था, विश्ववसु और उसकी कन्या को बुलाइए. विश्ववसु विल कैरी मी फ्रॉम वन साइड एंड द ब्राह्मणा विद्यापति विल टेक मी फ्रॉम द अदर साइड. यानी विश्ववसु एक किनारे से उठाएगा और जो विद्यापति है वो दूसरी और ब्राह्मण जो है दूसरी ओर से मुझे उठाएंगे. एंड ब्रिंग अ गोल्डन चैरिट स्वामी और स्वर्ण का रथ मेरे लिए लेके आइए. आई विल कम आउट ईजली एंड देन यू कैन अरेंज एवरीथिंग. मैं आसानी से बाहर निकल आऊंगा, फिर आप जैसी चाहो व्यवस्था कर सकते हो. बाय द पावर एंड विल ऑफ नील माधव विश्व वसु ललिता एंड विद्यापति वर स्टिल अलाइव. यानी नील माधव की इच्छा और कृपा से विश्ववसु ललिता जो उसकी बेटी थी और विद्यापति वो भी अभी तक जीवित थे. एंड नाउ दे वर ब्रॉट ऑन अ चैरिट विद ऑनर. उनको रथ पे बिठा के लाया गया. द किंग रिक्वेस्टेड द थ्री ऑफ देम टू एंटर द वाटर्स ऑफ द ओशन एंड लिफ्ट द लॉग. तो राजा ने उनसे विनती की कि आप पानी में जाइए और उस लकड़ी को उठाइए. विद्यापति एंड हिज वाइफ एंड फादर इन लॉ देन बिगन टू लिफ्ट एंड साइमल्टेनियसली प्रे टू द लॉग. विद्यापति और उसकी पत्नी और उनके ससुर जो विश्ववसु थे क्या किया, उन्होंने जाके उस लकड़ी को उठाया. जय जगन्नाथ नील माधव ओ प्लीज प्लीज बी मर्सीफुल एंड कम अपॉन आवर चैरियट. नहीं जगन्नाथ जगन्नाथ नील माधव उच्चारण करते हुए उन्हें प्रार्थना की, आप कृपा करिए और हमारे रथ पे विराजिए. द लॉक केम आउट वेरी इजली एंड इट वॉज ब्रॉट ऑन द गोल्डन चैरियट टू द प्लेस नियर टू वेयर द जगन्नाथ टेम्पल इज नाउ सिचुएटेड. तो इसको लाया गया, रथ पे रखा गया और जगन्नाथ जो जगह मंदिर है वहां पे लाके उनको बाद में रखा गया, उसी स्थान पे जहाँ पे मंदिर है उस स्थान पे ले आया गया. द किंग केप्ट द लॉक देयर इन अ बिग हॉल एंड ही इनवाइटेड ऑल द कारपेंटर्स ऑफ ओडिशा टेलिंग देम.
तो उसने मंदिर में या हॉल में उस लकड़ी को रखा, उस पेड़ को रखा, और जितने भी कारपेंटर से बड़े जिसे कहते हैं उनको बुलाया गया और कहा गया, आई विल गिव यू वास्ट वेल्थ इफ यू कैन मेक द विग्रह, मैं आपको बहुत धन दूंगा अगर आप विग्रह का निर्माण कर सकते हो तो. वेरी फेमस कारपेंटर्स केम देयर वांटिंग टू मेक द डीटी, बहुत से बड़ई आए ये सोच के कि हम विग्रह का निर्माण करेंगे, बट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड टूल्स ब्रोक एज सून एज दे टच द आयरन हार्ड लॉग, जैसे ही वो लकड़ी का स्पर्श करते थे उस पेड़ का तो उनके औजार जो है टूट जाते थे. एन ओल्ड बट ब्यूटिफुल ब्राह्मण देन केम फॉरवर्ड, एक बूढ़ा और सुंदर ब्राह्मण आता है और कहता है, ही हैड ब्रॉट सम टूल्स एंड ही टोल्ड देम, वो कुछ अपने औजार लेके आया था और वो लेके क्या बोलता है, माई नेम इज महाराणा एंड आई एम वेरी एक्सपर्ट एंड आई कैन मेक यू द विग्रह, मेरा नाम महाराणा है, मैं बहुत अच्छा कारपेंटर हूँ और मैं आपके लिए विग्रह का निर्माण करूँगा. द ब्राह्मण वॉज एक्चुअली नील माधव और जगन्नाथ हिमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ एन ओल्ड ब्राह्मण, वो वास्तव में ब्राह्मण नील माधव ही थे जो जगस्वयं जगन्नाथ हैं और कोई नहीं थे. ही कंटिन्यूड, आई विल कम्प्लीट द विग्रह इन 21 days, मैं 21 दिन में विग्रह का निर्माण कर दूंगा. बट यू मस्ट प्रोमिस दैट द डोर ऑफ दिस हॉल विल रिमेन क्लोज, लेकिन आपको वायदा करना पड़ेगा कि यहाँ का जो दरवाजा हॉल का वो बंद रहेगा. आई विल बी अलोन देयर विद माई वाइफ विद माई टूल्स, मैं वहाँ पे अकेला रहूँगा अपने औजारों के साथ. एंड आफ्टर 21 days आई विल ओपन द डोर सो दैट यू कैन सी द डीटी, 21 दिन के बाद मैं आप दरवाजा पर दरवाजा खोलूंगा तब आप विग्रह के दर्शन कर सकते हो. एट दैट टाइम यू कैन टेक हिम इनटू द टेंपल एंड सर्व एंड वर्शिप हिम, तब आप उनको मंदिर में ले जा सकते हो और उनकी पूजा शुरू कर सकते हो. द किंग रिप्लाइड, यस आई विल ओबे योर इंस्ट्रक्शन, आई विल नॉट ओपन द डोर, तो राजा ने उत्तर दिया, या मैं तेरी बात मानूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा. The Brahmin went inside with his tools and locked the door from inside. Brahmin जो था अपने औजार लेके अंदर जाता है और दरवाजा बंद कर देता है. For 14 days there was no sound. 14 दिन तक वहाँ पे कोई आवाज नहीं सुनाई दी. And इंद्रदुम महाराज became very worried. इंद्रदुम महाराज बहुत चिंतित हो गए. He thought, what can be the matter? वो विचार करने लगे कि क्या बात है, आवाज नहीं आ रही, 14 दिन हो गए हैं. द ब्राह्मण हैज नॉट टेकन अ ड्रॉप ऑफ वाटर और एनीथिंग टू ईट दिस एंटायर टाइम, ब्राह्मण ने एक बूंद पानी का नहीं दिया है, ग्रहण किया है और ना कुछ खाया इस पूरे 14 दिनों में. परहैप्स ही दैट, शायद वो मृत्यु को तो प्राप्त नहीं हो गया. हिज प्राइम मिनिस्टर देन टोल्ड हिम, उसके प्रधानमंत्री ने कहा, डोंट ओपन द डोर, आप दरवाजा मत खोलिए. There is some mystery behind it. इसके पीछे कोई रहस्य होना चाहिए. Only open it after 21 days. आप 21 दिन के बाद ही दरवाजे को खोलना. Not before, अभी नहीं. However, his wife pleaded with him. लेकिन राजा की पत्नी ने उन राजा से विनती की. If you don't open the door now, the Brahmin may die and will be guilty of Brahmhatya. यानी अगर आप अभी दरवाजा नहीं खोलोगे तो हो सकता है ब्राह्मण सटपुर में मर जाए और हमें ब्रह्म हत्या का दोष लग जाएगा. वी मस्ट ओपन द डोर प्लीज हरी, हमें दरवाजा खोलना पड़ेगा, आप शीघ्रता करिए. द किंग रिप्लाई, राजा ने उत्तर दिया, द ब्राह्मण टोल्ड मी नॉट टू ओपन इट बिफोर 21 days हैव लेफ्ट, तो राजा ने उत्तर दिया, ब्राह्मण ने कहा था कि 21 दिन के पहले आपने दरवाजा नहीं खोला है. How can I open it? मैं कैसे खोल सकता हूँ? She besieged him again and finally the king called for his carpenter to cut away the lock. तो जब रानी ने बार बार कहा तो राजा ने अपने बड़े को बुला के कहा, यानी कारपेंटर को, इस लॉक को तोड़ दीजिए.
He opened the door forcibly and entered. Oh, जबरदस्ती उन्होंने दरवाजा खोला, लॉक तोड़ के और ताला तोड़ के अंदर प्रवेश कर दिया. Inside the hall, the king was struck with wonder. अंदर जाते ही राजा आश्चर्यचकित हो गए. For he could not see the Brahman. वो ब्राह्मण के दर्शन नहीं कर सके. Where is the Brahman Maharana? कहते कहाँ पे वो ब्राह्मण महाराणा कहाँ चले गए. He asked the four deities, Jagannath, Baldev, Subhadra and Sudarshan Chakra were there, but they were not been fully completed. ये चार विग्रह तो थे, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव और सुदर्शन, लेकिन इनके विग्रह पूरे नहीं हुए, इनके रूप जो थे पूरे नहीं होते. Their eyes and nose were only round shape. इनकी आंखें और जो नाक थे बड़े बड़े गोल 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 थे. Their arms were not full length. उनकी भुजाएं पूरी लंबी नहीं थी. And their hands and feet were not completed. ना उनके हाथ पूरे हुए थे, ना उनके चरण पूरे हुए थे. Nothing was complete. कुछ भी पूरा नहीं हुआ था. The king began to weep. राजा ने रोना शुरू कर दिया. Opening up his heart to his prime minister, he said, अपना हृदय खोलते हुए प्रधानमंत्री को कहते हैं, I have committed an offense by breaking my promise. मैंने अपराध किया है वायदा तोड़ के. Now what shall I do? मैं मुझे अभी क्या करना चाहिए. Weeping, he again wanted to commit suicide. रोते हुए वो अपनी आत्महत्या करना चाहते थे. In another account, perhaps in another creation, when the king opened the door, हो सकता है किसी और कल्प में, क्योंकि कल्प भेद के अनुसार लीला में अंतर होता है, इसलिए आपको विभिन्न ग्रंथों में लीला में अंतर दिखाई देगा, लेकिन नाम और रूप में कभी भी भेद नहीं होता, इसलिए हमको ये बुद्धि नहीं चलानी चाहिए, इस ग्रंथ में ऐसा लिखा तो उसमें वैसा लिखा है, ये सही है तो वो सही है. भगवान जिस संत को जो दिखाते हैं वो वही लिख सकता है. किसी में क्षमता नहीं बगैर भगवान की कृपा दर्शन के कुछ लिखने के. तो अलग अलग कल्पों में लीला में अंतर होता है, इसलिए इंसान को मोहित नहीं होना चाहिए और नाम और रूप का चिंतन करके भजन करना चाहिए. इन एनर परप्स इन एनर क्वेश्चन, व्हेन द किंग ओपन द डोर, तो दूसरे लिखा गया कि कल्प में, कोई और कल्प में, जब राजा ने ये दरवाजा खोला था, द ब्राह्मण वॉज प्रेजेंट एंड एट वंस टोल्ड हिम, तो ब्राह्मण उपस्थित था और उसने कहा, व्हाई हैव यू कम इन द मिडल ऑफ माई वर्क, आप क्यों मेरे काम के बीच में आ गए हो. नाउ ओनली 14 डेज हैव पास, अभी तो केवल 14 दिन ही बीते हैं. आई वॉन्टेड अनदर 7 डेज टू मेक द विग्रह वेरी ब्यूटिफुल, मुझे और 7 दिन की जरूरत थी उस विग्रह को सुंदर बनाने के, तो विग्रह को पूर्ण करने के लिए. Why did you open the door? आपने दरवाजा क्यों खोला? Now there are only round eyes. अब तो केवल बड़ी बड़ी आंखें गोल. Well, I think it must be the wish of God himself, जगन्नाथ. मुझे लगता है शायद ये जगन्नाथ जी की यही इच्छा है, वो शायद इसी रूप में प्रकट होना चाहते हैं. Otherwise, I would have been able to complete the task and you would not have interrupted me. और मैं तो अपना कार्य पूरा कर लेता था और आप कि दखल अंदाजी दखल भी नहीं होता था, तो शायद भगवान की ऐसी इच्छा है कि सेइंग दिस द कारपेंटर डिसअपीयर, इतना कह के वो कारपेंटर जो है अंतर्धान हो जाता है. एंड एट दैट टाइम द किंग एंड एसोसिएट न्यू दैट ही वाज नॉट सिंपली अ ब्राह्मण कारपेंटर, ही वाज कृष्णा हिमसेल्फ. तब राजा को लगा वो केवल बढ़ई नहीं है, कभी कारपेंटर नहीं है, वो तो स्वयं कृष्ण ही थे, उस रूप में आए थे. They began to lament in separation. भगवान के विरह में वो विलाप करने के रोने लगे. The deity then ordered the king through his aerial voice. तो विग्रह ने आकाशवाणी के द्वारा क्या कहा? Don't worry, there is a mystery behind it. चिंता मत करो, इसके पीछे भी कोई रहस्य है. I desire to manifest like this and there is a very deep reason for it. मैं इसी रूप में प्रकट होना चाहता था और उसके पीछे बहुत गुड़ कारण है. Keep me in the temple and begin to worship me in the form of these deities. मुझे मंदिर में मेरी स्थापना करिए और इसी प्रकार इसी रूप में मेरी भक्ति शुरू कर दीजिए, मेरी पूजा अर्चना शुरू कर दीजिए.
जगन्नाथ कंटिन्यूड, प्लीज कैरी आउट माय ऑर्डर, मेरी आज्ञा का पालन हो। जगन्नाथ जी कहते हैं, विश्व वसु एंड हिज सन इन लॉ विद्यापति विल वर्शिप मी। विश्व वसु और उसके जो ज्वाई थे विद्यापति, वो क्या करेंगे, वो मेरी पूजा करेंगे अलॉन्ग विद विद्यापति स्तुवाई। और विद्यापति के दो पत्नियां थी, ललिता जो विश्व वसु की बेटी थी और उनके जो अवंती नगर में उज्जैन में वो दूसरी पत्नी थी। द सन ऑफ विद्यापति ब्राह्मण वाइफ विल टेक टर्न्स टू वर्शिप ठाकुर जी। तो विद्यापति की जो ब्राह्मण पत्नी थी पहली, उसके जो पुत्र होंगे वो क्या करेंगे, वो ठाकुर जी की उपासना करेंगे। एंड द सन ऑफ हिज शबर वाइफ, और जो शबर पत्नी थी विश्व वसु की बेटी जो थी, विल कुक मैनी वराइटीज ऑफ प्रिपरेशन, वो भगवान के लिए भिन्न प्रकार के भोग तैयार करेगी, उनके लिए रसोई बनाएगी। मैनी दैत्यस इन द डायनेस्टी ऑफ विश्व वसु विल सर्व मी फॉर 10 days ड्यूरिंग द रथ यात्रा फेस्टिवल। इसी प्रकार बहुत से जो दैत्य हैं वो मेरी विश्व वसु के वंश में जो भी होंगे वो मेरी सेवा करेंगे रथ यात्रा के 10 दिन। ओनली दे विल वर्शिप मी एट दैट टाइम, नो वन एल्स विल परफॉर्म द वर्शिप, यानी केवल वही मेरी उपासना करेंगे, कोई नहीं करेगा। ये जो शबर जाती है वो करेंगे, क्योंकि वो प्रभु के भक्त है, प्रभु अपने भक्तों के को मान देते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं कि ब्राह्मण को ही करनी चाहिए। जिसके जीवन में भक्ति हो जाती है, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वो जगत गुरु बनने का अधिकारी होता है। चाहे वो कोई भी कुल का हो, चाहे कोई भी वर्ण का हो, उसके अंदर ब्राह्मणों के सारे गुण अपने अंदर विराजमान हो जाते हैं। दे अलोन विल टेक बलदेव सुभद्रा एंड मी ऑन चैरियट, वो केवल वही केवल जो शबर है बलदेव सुभद्रा और मेरे को रथ पे बिठाएंगे। एंड दे विल ब्रिंग अस टू गुंडीचा मंदिर, और हमें गुंडीचा मंदिर लेके जाया करेंगे। मेक अ फेस्टिवल फॉर 10 days बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, यानी आप 10 दिन का उत्सव प्रारंभ करिए आज से शुरू करके। एंड टेक दिस रथ टू द गुंडीचा मंदिर, और इन रथों को आप गुंडीचा मंदिर ले जाइए। इट वॉज ड्यू टू द रिक्वेस्ट ऑफ द क्वीन गुंडीचा दैट द इवेंट्स ऑफ दिस पास्टम अनफोल्डेड एज दे डिड। ये गुंडीचा के कहने के अनुसार ही उसकी विनती थी, जो इस प्रकार की लीलाएं प्रकाशित हुई हैं। विच इज वाई द मंदिर वॉज नेम्ड आफ्टर हर, इससे तो मंदिर ये राजा इंद्रदुम की पत्नी गुंडीचा है उसी के नाम पे वो गुंडीचा मंदिर का नाम पड़ गया, जहाँ पे ठाकुर जी उधर 10 दिन जाके विश्राम करते हैं। ठाकुर जी आगे बोलते हैं, वी विल रिमेन देयर फॉर दोज डेज एंड देन यू मे टेक अस बैक, हम उधर 10 दिन रहेंगे और फिर एकादशी दिन वापस आते, तब आप हमें वापस ले जाना। यू शुड परफॉर्म मैनी फेस्टिवल लाइक स्नान यात्रा, चंदन यात्रा, हेरा पंचमी एंड सो ऑन, आपको बहुत से उत्सव मनाने पड़ेंगे, जैसे स्नान यात्रा पूर्णमासी के दिन होती है, उस दिन उनका प्राकट्य दिवस होता है। किसका प्राकट्य दिवस होता है, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी का। और ऑफिस के बाद 2 हफ्ते वो अभिनय करते हैं बीमार होने का। फिर चंदन यात्रा यानी भगवान के शरीर को लेपन का करना, हेरा पंचमी एंड सो ऑन। ड्यूरिंग चंदन यात्रा जगन्नाथ एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद चंदन फॉर मेनी डेज, और ये जो चंदन यात्रा है अक्षय तिथि के दिन शुरू होती है और 21 दिन तक लोग उसका पालन करते हैं। भगवान के श्री को चंदन का लेपन लगाते हैं ताकि उनको श्री को ठंडक मिले। एट दैट टाइम द विजय विग्रह डीटी नोन एज गोविंद इज प्लेस इन अ वेरी ब्यूटिफुल बोट इन नरेंद्र सोवर। तो भगवान के जो विग्रह है गोविंद, उन्हें ले जाया जाता है ये नरेंद्र सो में नौका भैया, राधा और राधा गोविंद देव जी को जो विजय विग्रह कहते हैं, जिन्हों ले जाया जाता है, छोटे होते जो ले जाया जाता है, तो उन्हें जो सब जगह ले जा सकते हैं, रथ यात्रा कैसे भी नहीं, रथ में या किधर भी हम शोभा यात्रा निकाले, कुछ भी करें, तो उसे विजय विग्रह बोलते हैं, उन्हें आप ले जा सकते हो। और इन्होंने नरेंद्र सो में ले जाते थे रोज नौका विहार के लिए, क्योंकि गर्मी है बहुत और जल में
प्रभु को ठंडी हवा मिलेगी, उन्हें राहत मिलेगी, इसलिए एंड इज बोट पासिंग टू टेक प्लेस, और उनके नौका विहार की लीलाएं वहां पे प्रारंभ होंगे। देन ड्यूरिंग द स्नान यात्रा द डीटी रिसीव अभिषेक फ्रॉम थाउजेंड ऑफ पिचर्स ऑफ वाटर ब्रॉट फ्रॉम ऑल द होली प्लेसेस इन इंडिया। तो स्नान यात्रा के दिन भगवान को अभिषेक कराया जाता है, हजारों मटके पानी के, उनमें सारे तीर्थों का जल होता है उसके द्वारा, एंड हिज बाथ इज नो लॉन्गर एंड हिज बाथ इज सो लॉन्ग दैट ही बिकम सिक, यानी तकरीबन सारा दिन उनको स्नान करा जाता है, यानी स्नान करने का पूरा दिन, मतलब उन्हें ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार हो जाता है, ये प्रभु की लीला है, विशेष लीला है। His stomach becomes upset and he falls ill. उनका पेट खराब हो जाता है और वो बीमार हो जाते हैं। At that time, Lakshmi takes him to her palace and closes the door for 15 days. तब लक्ष्मी उनको 15 दिन के लिए अपने महल में ले जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। श्री चैतन्य महाप्रभु could not survive without the duty and therefore he went to Alalnath and cried. तो 15 दिन का विरह महाप्रभु के लिए बहुत ज़्यादा था, उनके भगवान के दर्शन के बगैर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, वो उन्हें लगा कि हम कैसे जिएंगे, फिर वो शीघ्र जाके दौड़ते हैं, कहाँ पे जाते हैं, अलारनाथ जाते हैं, ये वहाँ से 19 किलोमीटर की दूरी पे है जगन्नाथ मंदिर से, और जब वहाँ पे जो विष्णु जी का विग्रह है उसको प्रणाम करते हैं, उनके शरीर से इतना विरह निकला, इतनी विरह की गर्मी निकली कि पूरा पत्थर पिघल गया और उस पे महाप्रभु के निशान है, सर से लेके एड़ी तक पूरे शरीर के निशान हैं उसके ऊपर। वो पत्थर आज भी हम जाके अलारनाथ में उस पत्थर के दर्शन कर सकते हैं जिससे महाप्रभु के पूरी छाप पड़ी है, और वहां पे जा क्या बोलते हैं, वेयर इज कृष्णा, वेयर इज कृष्णा, कृष्ण किधर है, कृष्ण किधर है। He became mad so much that when he touched the stones at Alalnath, they melted. वो इतने ज़्यादा पागल हो गए भगवान के विरह में कि उनके शरीर से इतने ताप निकला कि पत्थर पिघल गया। When wherever he offered his pranam, wherever his hands, head and other limbs were placed, जिधर वो प्रणाम करते थे, जिधर उनके हाथ सिर और बाकी शरीर स्पर्श करते थे, their impression became visible in that place of stone, यानी उधर उनके निशान पड़ गए और आज भी उसके निशानों के हम दर्शन कर सकते हैं। Only the deities, the family of Vishwavasu Sabar can serve Jagannath at the time of Rath Yatra. तो केवल विश्ववसु के परिवार वाले और उनके जो संगी थे वही सेवा कर सकते हैं जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के समय। एक्चुअली देयर आर टू काइंड ऑफ सर्वेंट, वास्तव में दो प्रकार के सेवक होते हैं। वन इज कमिंग फ्रॉम द डायनेस्टी ऑफ विद्यापति, ओरिजिनल ब्राह्मण वाइफ, एक जो है विद्यापति के ब्राह्मण पत्नी से आ रहे हैं, एंड दी डिवोटीज डू अर्चन एंड सेवा, और जो ब्राह्मण पत्नी के जो संतानें होती हैं उसी से वो पूजा अर्चन किया करते हैं। दोज हु डिसेंड फ्रॉम ललिता आर कॉल्ड सुपकन, यानी सुपाकार, यानी एक्सलेंट कुक्स, यानी जो ललिता जी के वंश जो जो के माध्यम से जो संतान उत्पन्न हुई हैं तो उन्हें बहुत अच्छा कहा गया कि भी बहुत अच्छे रसोइये हैं। बिकॉज जगन्नाथ हैज एक्सेप्टेड हिम एज हिज कुक, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उन्हें अपना रसोइया मान लिया है, इवन दो दे आर ऑफ अ लो क्लास वर्क, चाहे वो नीच कुल के क्यों ना हो। मैंने कहा ना, प्रभु को केवल प्रेम प्यार है, प्रभु भक्ति आएगी तो प्रभु उसी के प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि भक्ति की दो विशेषता होती हैं, एक तो पहले विनम्रता होती है, जो इंसान अपने आप को तुच्छ मानेगा, विनम्र महसूस करेगा, वही सहन शक्ति उसके अंदर होती है, वही वास्तव में सहनशील होता है। जो अपने आप को विनम्र नहीं मानता वो अहंकारी होता है और वो कोई भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो प्रभु आपकी विनम्रता पहले देखते हैं, और विनम्र इंसान ही सहन कर सकता है, और दूसरा कितना प्रेम मेरे प्रति है, कितने विरह के भाव हैं,
उसको अब हमारे ठाकुर जी देखते हैं। और जब चाहे वो कितना भी नीच इंसान क्यों ना हो, प्रभु का भजन करने से उसके अंदर सारे देवी गुण प्रकाशित हो जाते हैं, वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाता है, फिर उसको कोई कोई नीच नहीं कहता। अगर इंसान किसी भक्त को नीच कहता है तो वो भगवान के चरणों के प्रति बड़ा भयंकर अपराध करता है, वैष्णव के प्रति करता है, और उसको नरक की ज्वाला में जलना पड़ेगा। दे वेरी क्विकली एंड इजली कुक नॉट लेस देन 100 माउंट्स ऑफ राइस एंड दाल। तो ये रसोई बनाने में इतने कुशल हैं कि 100 मन चावल और दाल बना लेते हैं, एंड अ वैरायटी ऑफ अदर प्रिपरेशन, और बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान बनाते हैं। दे आर एक्सपर्ट इन यूजिंग मैनी स्टोव्स एंड दे प्लेस एटलीस्ट 20 अर्दन पॉट ऑन वन स्टोव। तो यानी ये स्टोव में इतनी बढ़िया तरीके से बनाते हैं कुशलता से कि 20 बर्तन होते हैं उस स्टोव के ऊपर, 20 अर्दन पॉट्स, एक स्टोव के ऊपर 20 पतीले रखे जाते हैं। द किंग प्रेड, ओ ठाकुर जी आई वॉन्ट अ बून सो दैट आई मे सर्व यू। राजा भगवान से प्रार्थना करते हैं, मैं वर मांगना चाहता हूँ ताकि मैं आपकी सेवा करूँ। ठाकुर जी रिप्लाइड, व्हाट बून डू यू वांट? ठाकुर जी ने पूछा, आप क्या वर चाहते हो? द किंग सेड, आई डिजायर देयर शुड बी नाइदर सन्स नॉर डॉटर इन माई डायनेस्टी। मैं चाहता हूँ कि मेरे वंश में ना कोई पुत्र उत्पन्न हो ना कोई पुत्री उत्पन्न हो। आई डू नॉट वॉन्ट एनी चिल्ड्रन, मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। आई नो यू विल ग्रांट माई डिजायर, मुझे पता मेरी इच्छा पूरी करोगे। ठाकुर जी स्माइल एंड सैड, वाई डोंट यू वॉन्ट चिल्ड्रन? ठाकुर जी मुस्करा आप पूछते, आपको क्यों संतान नहीं चाहिए? द किंग सैड, आफ्टर आई डाई दे विल क्वारल ओवर मनी एंड दे विल हैव नो इंटरेस्ट इन सर्विंग यू। तो मेरे मरने के बाद ये कोई जरूरी नहीं कि भक्त का पुत्र भक्ति होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। दुष्ट के पुत्र भी भक्त बन जाते हैं और भक्त के पुत्र भी दुष्ट बन जाते हैं, तो ऐसा कोई नियम नहीं है। हर इंसान के अपने पूर्व संस्कार होते हैं जो भगवान के प्रति आकर्षित होते हैं। तो कहते हैं मेरे शरीर छोड़ने के बाद मेरे पुत्र जो हैं आपस में लड़ते रहेंगे प्रॉपर्टी के लिए और पैसे के लिए, तो फिर वो क्या तेरी सेवा करेंगे, तो तेरी सेवा तो हो नहीं पाएगी। एंड दे विल हैव नो इंटरेस्ट इन सर्विंग यू, सो मच मनी विल कम फॉर योर सर्विस एंड दे विल थिंक, बहुत पैसा आएगा आपकी सेवा के लिए, वो क्या सोचेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज माइन और जगन्नाथ इज माई प्रॉपर्टी, ये संपत्ति मेरी है या जगन्नाथ जी मेरी संपत्ति हैं। ये भूल जाते हम लोग, हम सभी भगवान की संपत्ति, हम एक्चुअली संपत्ति, हम भगवान के सारे भगवान के दास हैं। इसलिए हमारी जो पत्नी है, हमारे बच्चे हैं या भाई बहन जो भी हैं, हमें क्या भाव रखना चाहिए कि ये सारे भगवान के अंश हैं, उनके दास हैं, ये मेरे पास कर्मों से भगवान की इच्छा से हैं, मैं केवल केयर टेकर हूँ, धरोहर हूँ कुछ समय के लिए मेरे पास, तो मैंने इनके साथ आदर पूर्वक प्यार से इज्जत से रहना है, इनसे कोई सेवा नहीं लेनी, मैंने सबकी सेवा करनी है। क्योंकि जो जितने श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं वो कभी अपने को वैष्णव मानते नहीं, वो किसी से सेवा लेते नहीं है, वो सेवा करते हैं। जो इंसान अपने आप को वैष्णव मान के सेवा लेता है और कहते ये सारे मेरे हैं, मैं जैसे चाहूँ उसका दुरुपयोग कर सकता हूँ या अपने सुख के लिए उसको यूज करूँ, उस मनुष्य का पतन निश्चित है। क्योंकि हमें ये बात समझना चाहिए कि हम इस संसार में भोग की वृत्ति के कारण ही संसार में फंसे हुए हैं, हमारे अंदर वो सेवा वृत्ति आई नहीं, क्योंकि हमें याद ही नहीं है कि मैं जीवात्मा भगवान का अंश हूँ, मुझे रात दिन उसी की सेवा करनी है। ये जैसे कहते हैं अमनेजा, जैसे आप भूल जाते हैं, तो जैसे कहते हैं कि सिर पे डंडा पड़ता है तो उसकी नींद खुल जाती है, जागता है, तो हरिनाम और हरि कथा द्वारा उसको जगाता है, उस भाव को, उस अनर्थों को दूर करेगा और भाव को जाए कि भाई तेरे को तो राधा कृष्ण की सेवा करनी रात दिन, तो कर क्या है, तो उन्हीं का अंश है, तूने उनको छोड़ के सबको अपना माना जो कि वास्तव में तेरे अपने कोई भी नहीं है, तेरे अपने केवल राधा गोविंद है, तो उनको अपना नहीं माना, तेरा दुर्भाग्य है। तो जब आपके अंदर ये भाव आएंगे, सेवा के भाव आएंगे कि मैं तो केवल धरोहर हूँ, केयर टेकर हूँ, मेरे कोई भी नहीं है, तो मैंने आपके नाते सबकी सेवा करनी है, इस प्रकार तब कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होंगे,
क्योंकि लड़ाई झगड़े कारण स्वार्थ और अहंकार होता है। मेरे को सुख पहुंचाओ, मेरे को ये थी दो, मेरी इच्छा पूरी करो, मेरे अनुसार चलो। तब सेवा के भाव होते हैं कि मैं आपको सबको अर्पण करना चाहता हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबकी सेवा करूँगा। ये भाव बहुत ज़्यादा जरूरी है। एंड तो कहते सो मच मनी विल कम फॉर योर सर्विस एंड दे विल थिंक दिस प्रॉपर्टी इवन अजय मैं प्रॉपर्टी क्या आएगा कि ये संपत्ति मेरी और जगन्नाथ मेरी संपत्ति है। आई डोंट वॉन्ट एनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स टू थिंक दिस टेम्पल इज माइन मैं नहीं चाहता मेरे परिवार का कोई भी सदस्य ये समझे कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और जगन्नाथ मेरे हैं। जगन्नाथ सुभद्रा एंड बलदेव आर माई प्रॉपर्टी ये मेरी संपत्ति है। एंड ऑल दी मनी कमिंग एज प्रणामी इज देयरफॉर माइन टू एंजॉय तो जितना पैसा आ रहा है प्रणामी के रूप में मेरे भोग के लिए नहीं, ये भगवान की सेवा के लिए है और भगवान के वैष्णवों की सेवा के लिए, जगन्नाथ जी के ग्रंथों को प्रकाशित करके वितरण करने के लिए, उनकी लीला का प्रकाशित करके उनकी महिमा का विस्तार करने के लिए। अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं तब तो भगवान की अपार प्रसन्नता होगी। अगर हम उसे भगवान की सेवा में न लगा के अपने भोगों में लगाते हैं तब तो हमें सबको नर्क जाना ही पड़ेगा। कोई भी मंदिर हो, जो भी मंदिर में भी रहता है, मठ में भी रहता है, तो वो ये सोचे जो पैसा आ रहा है मैं ठाकुर जी की सेवा की, ठाकुर जी की सेवा में लगाओ और आप भगवान को अर्पण करके खाइए प्रसाद, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें ये भाव रहे कि प्रसाद है, भोग वृत्ति के भाव ना हो, क्योंकि आप भगवान को अर्पण कर रहे हो। तो भगवान क्या करे, आपका अहम खींच रहे, आपकी आसक्ति है ना। पहले जैसे लड्डू लाते, ये लड्डू मेरा है जी, लेकिन जब भोग लगा दिया तब क्या बोलेंगे, ये तो भगवान का प्रसाद सबको बांटोगे। अगर लड्डू होता तब किसी को नहीं बांटते थे, जब भगवान का भोग लगाते हो क्या बोलते हैं कि भगवान का प्रसाद सबको बांटना चाहिए। यानी भगवान ने आपके अहम और आसक्ति को छीन दिया है। यही तो सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपके मन में भाव है कि भगवान को ये अर्पण कर दो, कि भगवान ग्रहण करते। क्या ग्रहण किया, आपके अहंकार को ग्रहण किया और आपके आसक्ति को ग्रहण किया, और तभी तो आप वितरण करो, सारे लड्डू को बांट रहे हो। ये प्रमाण है कि भगवान ने भोग ग्रहण किया। इफ दे थिंक इन दैट वे दे विल यूज एवरीथिंग फॉर देयर ओन सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड गो टू हेल। अगर वो इस प्रकार सोचते हैं कि मेरी संपत्ति है, जगन्नाथ सुभद्रा मेरी संपत्ति है और जो अपना मैं अपने भोग के लिए इस्तेमाल करूंगा, तो वो इंसान नर्कगामी होता है, वो नर्क में जाता है। नॉट डे वी सी द मेंटेलिटी ऑल ओवर इंडिया एंड एवरीवेयर एल्स। आज तो हम देखते हैं कि सोच इसी प्रकार लोगों की हो गई है, सर्वत्र सब जगह वही हाल है। दीज दे न्यू फॉर डिवोटिंग अप्रोच पीपल एंड से, आजकल नए नए भक्त आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, क्या कहते हैं, गिव मी सम मनी तो सर माई गुरुदेव, मुझे कुछ प्रणामी दो, मैं गुरु की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व ठाकुर जी जगन्नाथ बलदेव एंड सुभद्रा, मैं जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व राधा एंड कृष्णा सो डोनेट समथिंग, मैं राधा कृष्ण की सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ दान करिए। देन वेन दे गेट दैट डोनेशन दे डो नॉट गिव अ सिंगल सेंट टू गुरुदेव और टू ठाकुर जी। जब उन्हें वो पैसे मिलते हैं ना, वो गुरुदेव को देते हैं और ना ही वो ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। दे थिंक नाउ आई एम द एंजॉयर, क्या सोचते हैं, अब मैं भोगी हूँ, ये पैसे मेरे हैं, मैंने प्राप्त किया है, मुझे अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करना है। ठीक है, अगर आपको पर्सनल चीज चाहिए ना, तो वो पैसे गुरु जी को ला के दो, ठाकुर जी को चढ़ाओ और संतों से गुरु से आज्ञा लेके वो पैसे ले लो। पैसे की जरूरत सबको होती, ये नहीं कि नहीं, लेकिन अगर आप गुरु को अर्पण नहीं करते हो तो क्या होता है, वो पैसा आपकी तबाही का कारण हो जाए। क्यों, धन आप जिसके घर से कलेक्ट करते हो जरूरी कि वो शुद्ध धन हो, और हम उस धन को पचा नहीं सकते हैं। जब हम अपने गुरु को देते हैं, जो जिनमें बहुत साधन का बल होता है, वो इसको पचा सकते हैं शुद्ध करके, फिर आपको अर्पण करेंगे। ठीक है, आपको जो चप्पी ले खरीदना है खरीद लिया, आपको जो यूज करना आप करिए, फिर उस पर कोई दोष नहीं रखता, अर्पण करने के बाद लेना। लेकिन डायरेक्ट लेंगे बिना अर्पण करे तो हमको पूरा दोष लगता है, क्योंकि हमारी इतनी साधना नहीं है कि हम किसी के धन को पचा सके। Then they keep the money in their pocket and then they inquire,
where is the best bank for me to make a deposit? तो अपनी जेब में पैसे रखते हैं, क्या सोचते हैं कि बढ़िया बैंक किधर है जहाँ मैं उस पैसे को रखूँ? Someone may say you can go to Switzerland, it is the very best. कोई कह सकता है कि स्विट्जरलैंड स्विस बैंक में रखो. Then they will say no, I want to keep my money in India so that I can live there. तो कहते हैं कि मैं हिंदुस्तान में रखूँ क्योंकि मैं रहना चाहता हूँ उधर. Can you tell me which is the safest bank in India to keep my money? आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया में सबसे बढ़िया बैंक कहाँ पे पैसे रखे जाते हैं? They forget that they collected that money for Gurudev. वो भूल गए कि लोगों ने पैसे क्यों दिए, आपकी शक्ल देख के नहीं, गुरुदेव को केंद्र करके दिए. ओ, ये गुरु का रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, तो मैं इसको ये पैसे जो मेरे को मिलेंगे तो मैं क्या करूँ, इन पैसों का क्या करूँगा? मैंने गुरुदेव, उन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए, मेरी शक्ल देख के नहीं दिए, मेरे गुरुदेव के नाम से दिए और मैंने भी उनके नाम से इकट्ठे किए. Would anyone have given the money if they thought it was for that disciple? अगर कि लोगों को पता चलता कि ये अपने लिए यूज करने वाला है पैसे, अपने गुरु को मठ में देगा नहीं, तो क्या कभी आपको वो पैसा देता? नहीं देता. एंड दैट व्हाट विल बी द पनिशमेंट, और उसकी सजा क्या होगी? कृष्णा इज इन एंग्जाइटी दैट ही हैज टू क्रिएट अ हेल दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर देम. कृष्ण को चिंता हो जाती है, अब मुझे नर्क का निर्माण करना पड़ेगा जिनमें मैं इन सबको डाल के डालूंगा जो मेरे धन को छीन रहे हैं. इन इंडिया टू मैनी गोस्वामी थिंक दे आर द ओनर ऑफ द टेम्पल. हिंदुस्तान में बहुत से गोस्वामी सोचते हैं कि ये मेरा मंदिर है. मंदिर किसी का होता नहीं है, मंदिर राधा कृष्ण का होता है, भगवान का होता है. तुमने ये कैसे कह दिया कि मंदिर मेरा है और ये मेरा, तो तुम मंदिर में आ नहीं सकते. मंदिर भगवान का होता है, हर इंसान को अधिकार है जाने का. आप ये किसी की निजी संपत्ति नहीं है, ना किसी को अधिकार है किसी को मंदिर में जाके रोकने का, क्योंकि भक्ति का अधिकारी सब है, भजन का अधिकार सबको है, चाहे वो कितना भी उच्च कोटि का संत हो या कितना भी नीच क्यों ना हो. अगर कोई भजन करना चाहता है तो उसको मौका देना चाहिए, उसको सहायता करनी चाहिए और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको अधिकार है मंदिर में आने का, सेवा करने का, सब कुछ करने का. लेकिन हम लोग के अंदर ज्ञान नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, मंदिर मेरा, तुम्हें मंदिर आने देंगे, तुम्हें रोक देंगे या लिख देते कि नॉट अलाउड, क्या मतलब, ये सब गलत चीजें जो हो रही है. दे थिंक दैट द प्रणामी एंड एंगेज, दे टेक द प्रणामी एंड एंगेज इन मैनी बोगस एक्टिविटीज. वो प्रणामी को लेते हैं और अपने सुख के लिए यूज करते हैं, ना कोई ग्रंथ पब्लिक कर रहे हैं, ना ग्रंथ का वितरण कर रहे हैं, ना काउंटर माला का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ना भगवान की सेवा बराबर करें, ना बराबर भोग लगा रहे, कुछ नहीं करे, अपने भोग के लिए यूज करे हैं. यू शुड बी केयरफुल अबाउट दिस, अदरवाइज भक्ति विल नॉट कम टू यू. हमको सावधान रहना चाहिए इन चीजों को लेके, नहीं तो हमारे जीवन में भक्ति नहीं आएगी. शी विल थिंक दिस पर्सन इज वेरी सेल्फिश. भक्ति सोचेगी ये तो बहुत स्वार्थी इंसान है. ही वॉन्ट्स टू बी द मास्टर ऑफ हिज गुरुदेव एंड ऑल्सो ऑफ कृष्णा. ये स्वामी बनना चाहता है आपके गुरुदेव और कृष्ण का, क्योंकि इसके अंदर भोग वृत्ति है. द किंग देयरफॉर रिक्वेस्टेड देयर शुड बी नो वन टू टेक इवन अ सिंगल पैसा, यू आर द ओनर. तो राजा ने यही कहा कि मैं नहीं चाहता कोई एक भी पैसा आपका ले, क्योंकि इसके वास्तविक हकदार आप हो, आप ही यहाँ के स्वामी हो. और वास्तव में जगन्नाथ जी स्वामी या कृष्ण ही तो स्वामी है, उनका पैसा हम कैसे ले सकते हैं? यू यर्सेल्फ शुड डेप्यूट दोस्त हु विल सर्व यू. आप उन्हीं को रखिए जो आपकी सेवा कर सकते हैं. द मैनेजर शुड रेगुलरली बी चेंज. मैनेजर को रेगुलरली बदलना चाहिए. एंड दे शुड बी सर्वेंट्स लाइक ट्रस्टीज. उनको भी सेवक बनना चाहिए ट्रस्टियों की तरह जो सेवा करें. और ट्रस्टी इज वन हु कैन बी ट्रस्टेड टू सर्व विदाउट एनी डिजायर फॉर सेल्फ गेन. ट्रस्टी उसको कहते हैं जो सेवा करता है बगैर कोई स्वार्थ के. द किंग ऑफ उड़ीसा इज ऑलवेज द ट्रस्टी. जो राजा जो है वो हमेशा ट्रस्टी ही होता है. एंड समवन एल्स इज सिलेक्टेड आफ्टर हिम. उसके बाद किसी और को नियुक्त किया जाता है. दे आर नॉट एक्चुअली किंग इन द सेंस दैट दे कैन टेक अ फार्थिंग और पैसा फॉर देमसेल्फ. वो वास्तव में राजा नहीं होते जो पैसा लेके आपकी जेब में रखे या अपने ऊपर यूज करें. इफ दे वर टू
they would be ruined. अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका नाश हो जाएगा. Upon hearing the king's word, Jagannath began to smile and thus the Rath Yatra festival began. ये सब सुनने के बाद जगन्नाथ जी मुस्कुराते हैं और रथ यात्रा प्रारंभ होती है. There are so many relevant teachings found in this history. ऐसे बहुत सी शिक्षाएं दी गई हैं इस इतिहास के अंदर. तो यहाँ पे पहला इतिहास हमने पढ़ा, इसको विश्राम दिया.